हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पॉलिटेक्निक अगर आपने फाइनल कर लिया है या फिर अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपके पास एक बिगेस्ट प्रॉब्लम आ रही होगी। वो है कि बीटेक कोर्स को कैसे किया जाए, क्योंकि पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कोर्स करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सबको जो है करियर में ग्रोथ चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि इस समय का सिनारियो ऐसा है कि अगर आप मार्केट में उतरते हैं, जॉब मार्केट में अगर आप जाते हैं, तो वहां पता चलता है कि सबसे अधिक जो वैल्यूएशन है वो है आपकी डिग्री की। जितना ज्यादा आपके पास डिग्री रहेगी, वैल्यूएशन आपके पास उतनी ही ज्यादा रहेगी, और सैलरी पैकेज भी आपका जो डिफाइन होगा वो आपके जॉब के अकॉर्डिंग, वो आपके जो है डिग्री पे बेस्ड होगा। यानी कि डिप्लोमा डिग्री से अब कुछ नहीं होने वाला है, डिप्लोमा के बाद आपको फर्दर बीटेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बीटेक कोर्स कैसे किया जाता है और क्या प्रोसीजर होता है, क्या कुछ छूट मिलती भी है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लो कि अगर आप बीटेक कोर्स करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट बात यह है कि अब जो है बीटेक कोर्स पॉलिटेक्निक के बाद मात्र 3 साल का रह जाता है। मात्र 3 ईयर के बाद आप जो है अपने बीटेक कोर्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि बीटेक कोर्स में आपके पास जो है ब्रांच को चेंज करने का ऑप्शन भी रहता है, क्योंकि अगर आप बात करोगे तो बीटेक कोर्स में एडमिशन के लिए, खासकर अगर आप लेटरल एंट्री की बात कर रहे हो, तो वहां पे सबसे जरूरी बात ये है कि आपको कोई भी ब्रांच आपने डिप्लोमा में चाहे क्यों ना लिया हो, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CS, IT, आपने किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा किया हो, नो मैटर, अगर आप फर्दर इंडस्ट्री में इंटर करते हो, अगर आप बीटेक करते हो, तो यहाँ से आप जो है अपने पसंदीदा ब्रांच, जैसे CS हो गया, IT हो गया या फिर ECE हो गया, ऐसे ब्रांचेस में आप जो है एडमिशन ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एडमिशन कहाँ से लिया जाए, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा फ्रॉड इंडस्ट्रीज चल रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसे भी कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे भी डिग्री प्रोवाइडर हैं जो कि आपको फेक डिग्री देते हैं, उनकी डिग्री की कोई भी वैल्यूएशन नहीं रहती है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, आज आपको सजेस्ट करता हूं। इसके लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं एक फ्री वेबसाइट collegevidya.com। यहाँ पे सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे जाना है, बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ बेसिक जानकारी आपसे मांगी जाएगी, सभी बेसिक जानकारी को फिल कर लेना है। और इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशलाइजेशन और इसके अलावा हाइएस्ट क्वालिफिकेशन। इन दोनों को अगर आप फिल करके फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे, आपके मोबाइल फोन पर OTP जाएगी और कुछ बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाएगी। ये सारी बेसिक जानकारी आप लोगों को फिल कर देनी है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप अपने फीस को EMI में भी पेमेंट कर सकते हैं। सारी बेसिक जानकारी यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास बेस्ट कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे आप अपनी टॉप मेंटोर के द्वारा फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट और सारी चीजें अवेलेबल आपकी होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया गया है उसके थ्रू जाकर के आप कॉलेज विद्या से एडमिशन लेते हैं, तो आपको मिलता है 6,999 रुपए का जो करियर बूस्टर प्रोग्राम है, आपको ये बिल्कुल फ्री मिलता है। ठीक है, अब जब भी आप बीटेक डिग्री को कर लेते हैं ना, तो सबसे पहली बात आपको देखिए, सबसे मेन बात ये है कि डिप्लोमा करने के बाद जो है आपको सबसे बेहतरीन चीज ये होती है कि आपके पास जो है एक छोटी मोटी जॉब मिल जाती है। ठीक है, अब इस जॉब में आपने जो है अपने 3 साल एक्सपेंड किए, मतलब कि मैं आपको बताऊं कि इस जॉब में आपने जो दिए जो है अपने 3 साल, ठीक है, डिप्लोमा के बाद अगर 3 साल तक जॉब करते हैं तो आपके पास एक एक्सपीरियंस भी आ जाता है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके पास काम का नॉलेज भी हो जाता है। ठीक है, तो जब आपके पास एक्सपीरियंस भी हो गया 3 साल का और आपके पास काम का नॉलेज भी हो गया, तो अब जो है अगर आपने इसके साथ साथ बीटेक में भी एडमिशन ले लिया था, तो लगे हाथ आपकी एक बेहतरीन चीज हो गई, और वो हो गई कि आपने जो है अपने डिग्री को भाई कंप्लीट कर लिया। और जब आपने डिग्री को कंप्लीट कर लिया तो बस हो गया बात, अब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, इंडिया के किसी भी टॉप मोस्ट एमएनसीज में जाएंगे, तो वहां पे सिर्फ दो चीज की डिमांड होती है। वहां पे जो डिग्री होता है ना, सिर्फ एक प्रकार का स्टैंडर्ड होता है कि हमारे पास जो है बीटेक डिग्री वाले स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होंगे इस इंटरव्यू को देने के लिए, तो वो इंटरव्यू सिर्फ आपके बीटेक वाले दे सकते हैं। तो उस बिहाफ पे आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आप उस इंटरव्यू में अपियर हुए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन होना तय है।
क्योंकि आपके पास डिग्री तो है ही, डिग्री के साथ साथ एक और चीज है और वो है आपके पास आपके काम का नॉलेज। ठीक है, आपके काम का नॉलेज भी है और नॉलेज के साथ साथ अगर आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वहां पे एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, तो सबसे पहले जो है आपका सिलेक्शन होता है, यानी कि लेटरल एंट्री पास आउट स्टूडेंट्स जो कि आपने बीटेक में एडमिशन लिया था, इनका सिलेक्शन जल्दी होता है क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस भी होता है एंड एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके पास क्या होता है, नॉलेज भी होता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब बात क्या आती है कि एक और चीज होता है आपका कि कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है, जो आपकी हाईएस्ट पोजीशन होती है वो हाईएस्ट पोजीशन किस बेसिस पे डिफाइन होती है, तो हाईएस्ट पोजीशन नंबर वन बेसिस हाईएस्ट पोजीशन का ये होता है कि आपने जो है डिग्री कौन सी ले रखी है। ठीक है, अगर मान लो कि आप 15 साल 20 साल किसी इंडस्ट्री में देते भी हो और कोई मैनेजरियल पोजीशन पे वैकेंसी है या फिर मैनेजरियल पोजीशन पे आपको जो है ये अप करना है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मैनेजरियल पोजीशन पे आप तभी जा पाओगे जब आपके पास डिग्री से आप जो है स्ट्रांग रहोगे। ठीक है, तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने डिग्री को स्ट्रांग कीजिए, डिग्री को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो और बीटेक में एडमिशन 100% आप सभी लीजिए।